हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है रुबीनाज किचन में। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल किस्म की मिठाई, जो कि सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स को मिला के बनाया है मैंने। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं पड़ा है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ही आसानी से मैंने बनाया है इस मिठाई को। मैंने सिर्फ मैदा और शक्कर से बनाया है और कुछ भी नहीं डाला है, और सिर्फ बहुत ही थोड़े से मेवे से मैंने इसे ऊपर से डेकोरेट किया है। और कितना खूबसूरत और टेस्टी दिखाई दे रहा है, देखकर ही जी चाहेगा आपको कि हम इसे फटाक से खा लें। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। आइए चलिए बनाते हैं। ये मैंने एक कटोरी सिर्फ बाउल से वन बाउल मैंने मैदा लिया है और इसे अच्छी तरीके से भून लिया है। इतना भुने कि इसका कलर ना चेंज हो। एक से दो मिनट ही मुझे भुनना है। और इसमें घी सिर्फ मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऐड किया है और धीरे धीरे ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा घी पसंद करती हो तो 4 टेबल स्पून लें, वरना आप 1 से 2 टेबल स्पून ही रहने दें, यह आपके ऊपर है। घी से सॉफ्टनेस ज़रा बढ़ जाती है। अगर आप थोड़े घी का यूज़ करेंगी तो ये टाइट होगा, और अगर आप सॉफ्ट बनाना चाहती हैं तो करीब 4 टेबल स्पून घी ऐड कर लीजिएगा इसमें, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। हल्की सी जब भुन जाए, इसका कलर चेंज ना होने पाए, क्योंकि ये वाइट ही रहता है मिठाई। अगर आप इसे भून देंगी तो ये बिस्किट के कलर का ब्राउन हो जाएगा। और इसमें 1 बाउल मैंने पिसा शक्कर ले रखा है, इसे भी हम ऐड कर देंगे जब ये हल्का सा भुन जाएगा। तो 1 से 2 मिनट ही मैंने सिर्फ इसे भुना है, इससे ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा इसका कच्चापन मैंने निकाल करके इसमें शक्कर ऐड कर दिया है, और ये 1/2 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर इसके अंदर ऐड किया है खुशबू के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे ऐड करें या ना करें। 3 से 4 ड्रॉप मैंने केवड़ा जल ऐड किया है, जिससे इसका स्मेल बाहर की तरह आएगा और इससे टेस्ट भी बढ़ जाएगा। ये 1/2 ग्लास मैंने मिल्क लिया है, जिसे मैंने पका के थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया था। आप भी अलग से लेकर के पहले दूध को गाढ़ा कर लीजिएगा, या आप चाहे तो गाढ़े दूध के जगह आप मलाई भी यूज़ कर सकती हैं। और ये दूध मैंने इसके अंदर ऐड किया तो ये इस तरह से हल्का गीला हो गया है। अब मैंने 1 बाउल इसके अंदर मिल्क पाउडर लिया है मावा की जगह, इसके अंदर फैट नहीं होता है, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। ये आप चाहे तो यूज़ करें या ना यूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे मिठाई का टेस्ट इससे बढ़ जाता है, बस इसलिए मैंने इसे यूज़ किया। और ये एक बर्तन है मेरे पास, उसके अंदर मैंने घी ग्रेस किया करके रख लिया है, जिससे ये थोड़ा सा पकने लगेगा, टाइट होने लगेगा। जब हमारा बर्तन ये छोड़ने लगेगा, चिकनाई बाहर आएगी, तब आप समझ लीजिएगा कि मेरी बर्फ़ी तैयार हो गई है। और उसके अंदर फटाक से हम फैला देंगे बिना देर किए हुए। अब देखिए, तलवा छोड़ने लगा है बर्तन, बिल्कुल गोल गोल ऐसे होने लगे, तब आप समझ जाइएगा कि मेरी बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब 1-2 हाथ मारते हुए मुझे इसका फ्लेम बंद कर लेना है। अब हम इसे उस बर्तन में सेट कर लेंगे, देखिए बिल्कुल, और जो भी घी होगा सब बाहर आ जाएगा। और मैंने इसके अंदर देखिए ऐड कर लिया है इस बर्तन में, और इसे एक स्पून के मदद से हम फैला लेंगे पूरे में, ताकि कोनों में भी आराम से पहुंच जाए इस तरह से अच्छे से। देखिए जितना घी है सब बाहर आ गया है, ऊपर ऊपर आपको दिख रहा होगा घी, तो ये जो भी घी मैंने इसके अंदर डाला था वो सब बाहर आ गया है। और मैं अपनी मीठी चीज़ें तो हमेशा देसी घी में ही बनाती हूँ, ये तो आपको पता ही है। जो हमारी वीडियो देखते हैं उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि मीठी चीज़ों को अगर हम देसी घी में बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और ये देखिए इस तरह से मैंने बराबर कर दिया बिल्कुल स्पून की मदद से, और ये ऊपर ऊपर मैंने लाइनिंग लगा ली है चाकू से। मैंने कट नहीं किया, सिर्फ निशान बनाया ताकि हम मेवा आसानी से लगा सकें। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, पिस्ता और बादाम, और इस तरह से ऊपर से इसे डेकोरेट कर दिया है। अब हम थोड़े से चांदी के वर्क से भी इसे डेकोरेट कर देंगे, और ये 1 से 2 घंटे के बाद बिल्कुल सेट हो जाएगा, तब आप इसे कट कर लीजिएगा। और मैंने इस तरह से कट करके इसकी प्लेटिंग को मैंने इस तरह एक पतले से ट्रे के अंदर की है,
आपके पास जो भी बर्तन हो, जिस तरह से भी डिश में चाहे आप उस तरह से इसे सर्व कर सकती हैं। ये देखिए मिठाई कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल बाहर की मिठाई की तरह। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, और अगर हमारी मिठाई आपको पसंद आई हो तो फौरन आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय।